दोस्तों बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान न केवल एक बेहतरीन एक्टर हैं बल्कि एक अच्छे पिता भी हैं। और शाहरुख खान के 3 बच्चे हैं जिनमें सबसे बड़े हैं आर्यन खान और उनसे छोटी है उनकी बेटी सुहाना खान और सबसे छोटे हैं अब्राहम खान और अपने बच्चों में किंग खान की जान बसती है। और शाहरुख खान ने अपने 3 बच्चों को बड़े ही नाजों से पाला है। जो चीजें शाहरुख खान को उनके बचपन में नहीं मिली वो सब उन्होंने अपने बच्चों को दिया है। और हम सभी ने शाहरुख खान को उनके सबसे छोटे बेटे अब्राहम के साथ उनके प्यारे और खूबसूरत पलों को भी देखा है। खासकर जब भी कोलकाता का मैच होता है शाहरुख अपने बेटे अब्राहम के साथ नजर आते हैं। लेकिन दोस्तों शाहरुख खान के बड़े बेटे आर्यन खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें आर्यन खान अपने ही पापा शाहरुख खान पर भड़कते हुए नजर आ रहे हैं, बुरा भला कहते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए इस वीडियो में आर्यन खान और शाहरुख खान फुटबॉल मैच खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक दूसरे से वर्बल लड़ाई भी कर रहे हैं। और वीडियो में शाहरुख खान कहते दिखाई दे रहे हैं कि उन्होंने अंग्रेजों से धोखा देना सीखा है क्योंकि वो आर्यन को सबसे हार्ड किक मारने के लिए कह रहे हैं और दोनों बाप बेटे के बीच की ये लड़ाई काफी प्यारी और मजेदार लग रही है। देखिए आर्यन के साथ इस वीडियो में सनाया कपूर और अनन्या पांडे भी नजर आ रही हैं और वो भी आर्यन के साथ गेम खेल रही हैं। लोगों को ये वीडियो काफी पसंद भी आ रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो तब का है जब आर्यन खान बहुत ही छोटे थे। देखिए मैं आपको बता दूं कि आर्यन खान जल्द ही इंडस्ट्री में कदम रखने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। मगर दिलचस्प बात यह है कि शाहरुख खान के बेटे एक एक्टर के तौर पर नहीं बल्कि एक डायरेक्टर के तौर पर इंडस्ट्री में अपना डेब्यू करने वाले हैं और हाल ही में उन्होंने अपने क्लोथिंग ब्रांड डियावोलेक्स लॉन्च किया है। और इस ब्रांड को लेकर आर्यन की खूब आलोचना भी की गई थी क्योंकि ये ब्रांड काफी महंगा है और इस ब्रांड के एक टी शर्ट की कीमत लाखों में है। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है कि शाहरुख खान की तरह क्या आर्यन खान भी बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना परचम लहरा पाएंगे या नहीं, या फिर एक टिपिकल बॉलीवुड स्टार किड ही बनकर रह जाएंगे? दोस्तों आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ अलविदा, मिलता हूँ बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।